मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार एवं बीएफसी कार्यालय के मुख्य द्वार व दरभंगा जयनगर जाने वाली मुख्य सड़क NH 527 बी, जहां से रोज हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है, ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर पुराने व जर्जर अवस्था में सूखी हुई विशाल वट वृक्ष का होना वहां पर प्रखंड सह अंचल कार्यालय कैंपस में ये बताने के लिए काफी है कि यहां पदाधिकारियों का कार्य संस्कृति कैसा है। इन पदाधिकारियों के आंख के सामने व आवासीय परिसर में वर्षों से मौजूद उक्त वट वृक्ष की सूखी हुई डाली गिरने से एक चाय विक्रेता की जान चली जाती है। मृतक चाय विक्रेता अपने 6 सदस्य परिवार का भरण पोषण चाय बेचकर किया करता था, जिसके मौत के बाद परिवार के लोगों का भरण पोषण के लिए संकट खड़ा हो गया है। मृतक की पहचान नथुनी साह पिता स्वर्गीय तपेश्वर साह 45 वर्ष के रूप में किया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों ने दरभंगा जयनगर मुख्य सड़क पर शव को रखकर घंटों जाम कर मृतक के आश्रित को सरकारी मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। घटना की सूचना लोगों के द्वारा स्थानीय थाने को दिया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ASI राहुल कुमार, ASI कुंदन बासुकी ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क से जाम हटाने के लिए मशक्कत करते देखे गए, लेकिन जाम कर रहे लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वहीं उचित मुआवजा की मांग पर अड़े रहे। अंचलाधिकारी रहिका चंद्रशेखर सिंह, RO रमन कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को आश्वासन दिया कि तत्काल मृतक परिवार को करीब अंत्येष्टि की लाभ, सामाजिक सुरक्षा का 20,000 एवं प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपदा से मिलने वाले लाभ मृतक के परिवार को मिल सके को देखते हुए उचित प्रक्रिया किया जाएगा। पदाधिकारियों के आश्वासन के बाद सड़क जाम कर लोगों ने सड़क को जाम से मुक्त कर यातायात बहाल होने दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दी है। घटना है 1 बजे रात को सर, जब मेरा पति फिर गिरा ऊपर से, तो मेरा पति दुकान बंद करके आ रहा था चाबी लेके, पेड़ के तर में सर पर चोट लगा, नाक में है ब्लड आ रहा है। यही से पहले एक बार और वीडियो CO के पहले कान में गिरा, जो मेरा बेटा है सो बच गया। वीडियो CO का एक बार हम और सूचना दिए थे चाय पीने के लिए, वीडियो CDO आया महज सूचना दिए कि जब पेड़ कटवा दीजिए, तो हमको बोल रहा था कि जो ताफी 2,000 में ले लीजिए, अमचा चमचा बेलचा को भेज रहा था। हम कहे कि हमको बड़ पेड़ नहीं, पीपर लेना है। जहाँ आपके पति दुकान करते हैं, जगह कहाँ का, कहाँ है? ब्लॉक पर। कौन ब्लॉक? बतिरेका ब्लॉक। रेका ब्लॉक है? चौकी पर। हाँ। क्या नाम है उनका? नथुनी साह। पिताजी का नाम स्वर्गीय तपेश्वर साह। उनका क्या दुकान है? 5 गो, 4 गो बेटी, 1 गो बेटा। सुबह में रोड जाम किए हुए? हाँ। क्या घंटा जाम रहा? 6 बजे हमको दरभंगा से लेके आए, अभी तक ले हमको अभी रिपोर्ट में भेजा है। तो जाम आप हटा दिए, कुछ मांग थी आप? हाँ, मांग थी ना, हम बोले हैं ना कि जब मांग यही ना कर रहे थे कि जैसे हमको मुआवजा कुछ सरकार दे। सरकार के क्या मुआवजा, जो सरकार से यानी कि है 5 बजे भरण पोषण हो उसके आधार से यानी आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन वही मिला है, आश्वासन वही मिला है कि 25,000 रुपये मिलेगा आपको कबीर अंत्योदय की तरफ से, और मुखिया के तरफ से जो 3,000 रुपये मिलता है वो मिलेगा, और इसके बाद में यानी कि जो आपको यानी कि एक इंदिरा आवास का यानी कि जो CO साहब जो है वो बताया कि वो इंदिरा आवास आपको करवा दिया जाएगा। रात में जो पेड़ का टहनी गिरा था जी, क्या वो मतलब जीवित है? उसका कंडीशन एकदम बेहालत था, बहुत बेहालत था। जैसे पेड़ गिरा सर, अगर अचानक आपके ही सर पर कोई चीज पेड़ गिरे तो उस समय आप कैसा स्थिति महसूस कीजिएगा? गिरने के बाद आप कहाँ ले गए? गिरने के बाद रहिका हॉस्पिटल लेके गए, रहिका हॉस्पिटल से रेफर कर दिया, तो यहाँ पे लेकर के आए, यहाँ से फिर रेफर कर दिया, तो यहाँ दरभंगा जाने के लिए, दरभंगा जाते आते रास्ते में इनका डेथ हो गया। क्या बजे डेथ हुई? 3 बजे, 3 बजे के आसपास। उसके बाद आप लोग जाम किए? उसके बाद हम वहाँ से लेकर के आए हैं, तो यहाँ पे सवेरे यानी घर आए हैं मधुबनी से, दरभंगा से, तब जाके रोड हम जाम किए। जो पदाधिकारी है वो अपना ही सुरक्षा खाली सोचता है, दूसरा को पर सुरक्षा नहीं सोचता। एक तो पदाधिकारी आया तो अपना घेरा लिया, दूसरा पदाधिकारी आया तो छहर दवाली दिया दिया, लेकिन अभी ये जनता का क्या मौसम है क्या है तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। देखिए ये रहिका पंचायत से खैर को गाछ काटने को आवेदन भी दिया हुआ है, लेकिन कब के भी गाछ नहीं काटा, समझे? इसके देखिए इतना कितना घटना हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको गाछ को काटाने का उसको अभी फुर्सत नहीं हुआ है, लेकिन अपना सुरक्षा करता है, लेकिन
अंदर का सुरक्षा कुछ नहीं, किसके चलते देखिए उसमें तो गाड़ी था तो गिर गया है, समझे? वही डाली है उस, हाँ यही डाली है, यही डाली है, तो उसको गिर गया है, वो गिरने के बाद उसको हाथ जैसे उसको डर के मारे वो मर गया है, समझे? हार्ट अटैक किसको जिसको कहते हैं वो हार्ट अटैक हो गया है, समझे? उसके कान से और नाक से मुंह खून बह रहा है, और दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो हम उसको देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं लाश को, कान से और नाक से खून बह रहा है। मृतक क्या करता था यहाँ? ये चाय का दुकान करते थे, उसी के बगल में चाय का दुकान है, गाछ के पेड़ के बगल। गरीब आदमी है, बहुत गरीब है, गरीबों से गरीब है, जिसका यही चाय दुकान करके चाय दुकान से गुजर बसर करता है। इसीलिए हमको कहना है सर, जो पदाधिकारी तो जो करवा क्या चीज, लेकिन इसको उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मृतक के परिवार में कितना आदमी है? 5 आदमी है, बाल बच्चा भी है? हाँ, चार को बाल बच्चा है, वो दो अपने हैं, 5 अपने तो मृतक मर गया, पत्नी है, 5 आदमी है, 5 आदमी, चार बच्चा है, चार बच्चा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम के नारायण यादव, एका पंचायत, जो ये जो अभी 3,000 रुपया मिला है, उसका संस्कार के लिए मिला, बच्चा 20,000 रुपया, 45,00,000 तो मिलेगा ही, तो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में जो एक्सीडेंट हुआ है उसको तो 4,00,000 रुपया मिलना चाहिए, जो भारत सरकार का नियम है, ये भारत सरकार का नियम है कि कोई भी एक्सीडेंट से मरे उसको 4,00,000 रुपया मिलता था, मिलता है, मिलता ना पहले। हाँ, आपका विभाग से। हाँ, तो उस पे अंचलाधिकारी महोदय का कहना है जो पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, पोस्टमार्टम में जाएगा, लेकिन सरकार है की इंदिरा आवास के लिए भी है सर, इंदिरा आवास के लिए भी व्यवस्था बोले ब्लॉक मुख्यालय पर जो बरगद के पेड़ है बहुत दिन से पुरान बरगद के पेड़ है, जे कखनो ब्लॉक पर आवा जाए वाला लोग के लिए खतरा के घंटी छे, एहि पर प्रशासनिक पदाधिकारी सब ध्यान नहीं दे छथिन, जे ई गाछ जे छे जे जीर्ण शीर्ण अवस्था में छे, एकरा काट के अतः से विस्थापित कैल जाए, डिस्टर्ब कैल जाए, तै पर ध्यान नहीं छे, जकरे परिणाम एक फलाफल छे जे चाय के दुकानदारी करे वाला झोपड़ी में दुकानदारी करे वाला गरीब के ऊपर डाढ़ि खसि के गिरले ओकरा देह पर, और जे छे जे अखन वो मौत के प्राप्त कर गेले है, और वही के उपलक्ष्य में वही के आक्रोश में रहिका के समाजगण रोड के जाम के ने जे मृतक के उचित मुआवजा भेटक चाहिए। अभी तक प्रशासन के लोग कोई आया कि नहीं? अखन तक प्रशासन के क्यों पदाधिकारी नहीं आला है, गजेटेड पदाधिकारी नहीं आला है, लेकिन थाना से 2-4 स्टाफ आयल छथि जे अपन भीड़ के इर्द गिर्द खड़ा छथि और देख रहल छथिन जे अतक पब्लिक के हरकत केहन भ रहल छै। सूखा हुआ बरगद का डाली गिरने से मौत हुई है? बरगद का डाली इसके दुकान पर गिरा है, जो अभी आप देख सकते हैं, उसके डाली के गिरने के कारण उसको जो है हार्ट अटैक हो गया है, डर के कारण नाक और मुंह से ब्लड निकला है, शायद माथे पर भी उसको चोट लगा हुआ है, इसका अंत परीक्षण क्या करने के बाद ही पता लगेगा, मेडिकल परीक्षण करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है कि वास्तविक हकीकत क्या है। लेकिन मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम है लक्ष्मी शाह। पिता का नाम? तपेश्वर शाह। उम्र कितना होगा? उम्र लगभग 45 वर्ष का है, लहका दुर्गा स्थान इसका घर पड़ता है, लहका दुर्गा स्थान के गेट पर ही उनका घर है। आपका परिचय क्या? मेरा नाम हो गया सुनील कुमार है, भूतपुर। ये दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये प्राकृतिक है, और कहने का तात्पर्य है कि पेड़ जो है बहुत जर्जर है, प्रशासन को इस पर ध्यान देनी चाहिए, और जनता का भी लापरवाही है, इसे सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ये जो घटना हुई है इस तरह का अगर पेड़ रहेगा तो और घटना घट सकती है, इसलिए प्रशासन को यहाँ से इस गाछ को हटाना ही जरूरी है, एकदम अविलंब जरूरी है, इस तरह का पेड़ रोड साइड में नहीं रहना चाहिए। आप जनता को जो आप जवाबदेह मान रहे हैं, यहाँ NH 527B इस पेड़ के नीचे से गुजरती है, ये ब्लॉक जाने का ये रास्ता है, मेन रास्ता है, मेन यही रास्ता है, एकमात्र रास्ता ब्लॉक जाने और आने का मेन रास्ता, यही रास्ता जिसपे अभी हम खड़े हैं, ये FCI गोदाम जाने का एक मेन रास्ता यही है, एकमात्र रास्ता है, और इस रास्ते पर अवस्थित ये जर्जर सा पुराना पेड़ सूखा हुआ टहनी, और इस
ये भी कैंपस है, ब्लॉक का रहिका प्रखंड मुख्यालय का ही कैंपस में अवस्थित है। इसके लिए जवाबदेह आप जनता को क्यों मान रहे हैं? इसके लिए तो जवाबदेह प्रशासन को ठहराना चाहिए था। प्रशासन का तो पूरा 100% जवाबदेही है ही, लेकिन जनता भी अपना सतर्क रहे। सब कहने का तात्पर्य जर्जर पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, कभी भी गिर सकता है, लोगों को तो आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सतर्क होके चले, क्योंकि ये जो है मुख्य मार्ग पर ये जो है सड़क किनारे ये पेड़ है, और ये पेड़ प्रखंड और FCI से जुड़ा हुआ पेड़ है। किसी भी समय यहाँ और घटना हो सकती है, तो हुआ ही है और भी हो सकती है, इसलिए ये पेड़ का कोई भरोसा नहीं है। जर्जर पेड़ है, किस समय ये गिर जाएगी? आपको एक चीज पता है, इस तरह का पेड़ को हटाना तो जरूरी है, एकदम अभिलंब जरूरी है। आप भी बोले हैं, हाँ हाँ। लेकिन एक चीज पता है, इस तरह के पेड़ को पाल के सुरक्षित रखने वाले के विरुद्ध 135 का धारा लगता है। कानून प्रक्रिया जो हो, लेकिन कहने का तात्पर्य ये एकदम अभिलंब हटना चाहिए पेड़। ये पेड़ नहीं हट रहा है, इसके लिए जवाबदेह कौन है? प्रशासन जवाबदेह है। इस तरह का पेड़, जर्जर पेड़ पर ध्यान देना चाहिए, इसको रोड किनारे से हटाना चाहिए, जबकि प्रखंड के मुख्य गेट पर है, FCI के मुख्य गेट पर है।